तब हम लोग जॉब लेने के लायक हो गए, उसके बाद मोदी जी आए और तो बोल रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बन जाइए। हाँ यहीं बैठे रहे, चाय बनाते रहे। हाँ चाय बनाते रहे, खाना पीना यहीं बनेगा। ऐसे भी जिंदगी कहाँ मैडम, रेलवे मेडिकल फिट बेरोजगार का चाय है। ये कौन सी चाय बेच रहे हैं? MBA चाय सुने हैं, ग्रेजुएट चाय सुने हैं, बेरोजगार चाय है, बेरोजगार चाय, बेरोजगार चाय, मेडिकल फीट, हाँ जुमला चाय, जुमला चाय कैसा होता है? वही बस 2 करोड़ रोजगार देंगे फिर करके जुमला है, वही जुमला चाय, हाँ जुमले चाय है, बेरोजगार चाय है, क्या मोदी चाय है? बेरोजगार चाय है, बेरोजगार चाय वाला है ये, बस मेडिकल फीट चाय वाला, मतलब जगह यही अब रहेगा कि फिर यहाँ से हटेगा? नहीं यही जगह रहेगा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, यहीं तक मतलब अनिश्चित काल तक रहेगा यहीं तक, यहाँ से अर्थी जाएगा, अर्थी अंदर के भी लोग को पिलाइएगा तब ना खुश होंगे कि अपने अपने नहीं पिला दिए, अंदर पिला दिए, पिला सब लोग पी भी, हाँ सब पिए हैं, कुछ पूछ लीजिए, सभी लोग पिए, हाँ हाँ सभी लोग पिए हैं, सभी लोग पिए, पूछ लीजिए, नहीं पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, सभी लोग को दिए हैं, अभी बन रहा है और देंगे, पिलाएंगे और पिलाएंगे, सोचिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आंदोलन तो हम लोग देखे हैं, ठीक है सब लोग आंदोलन करते हैं, वो तो हम लोग देखे, बैठ जाती हूँ मैं भी, आंदोलन देखे हैं, लेकिन ऐसे चाय बैठ के बेचना, चाय खिलाने के लिए हम ये लोग कर रहे हैं, मतलब इतना हम लोग पढ़ लिख कर, मतलब हम लोग चाय बेच रहे हैं, उन लोगों को शर्म आना चाहिए, शर्म नहीं आएगा कि मतलब बोले हैं कि हम चाय बेच बेच के प्रधानमंत्री, ये कोई बेच नहीं रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं, किसान के बेटे उपजाए हैं दे रहे हैं, और इसी तरह से हम लोग रेलवे में भी सेवा देंगे, लेकिन ये लोग नहीं चाह रहे हैं ऐसा करना, पता नहीं ऐसा क्यों हम लोगों को प्रताड़ित किया, रेलवे चयनित बेरोजगार कर दिया हम लोगों को, चयन करवा के सारा चीज, मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए, हम लोग बचपन से ऐसा नहीं पढ़ाया गया आत्मनिर्भर बनने के लिए, जब हम लोग जॉब लेने के लायक हो गए उसके बाद मोदी जी आए तो बोल रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बन जाइए, जो वैकेंसी है वो भी तो वही लोग निकाले हैं ना जी, और उसके बाद भी हम लोग का नहीं सुन रहे हैं, एडिशनल पैनल हम लोग का कोशिश कर रहे हैं जारी करने के लिए, वो भी नहीं सुन रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जारी हुआ है लेटर, फिर भी ये लोग नहीं सुन रहा है, जीएम सर देने के लिए वैकेंसी नहीं देते हैं, वोट लेने के लिए वैकेंसी देते हैं, जब उनका चुनाव आता है तब वो वैकेंसी देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। 14 तारीख को 14 मई को एक सर्कुलर आया था, जो मतलब कि सभी RRB को भेजा गया था, उसमें सीधा बोला गया था कि जो मतलब कि एडिशनल वैकेंसी है 2018 वाला में इसको ऐड करके भेजिए, लेकिन ये मतलब बात थी RRB से RRB मान नहीं रही है, GM नहीं मान रहा है, मतलब कि ऊपर से भी आदेश है फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, हाँ पिलाए हैं, पिलाए हैं, पिलाए हैं, नहीं नहीं पिलाए हैं, बहुत सारा मीठा हुआ होगा तो कुछ तो अब रिप्लाई देंगे, अब देखिए फीडबैक तो उनको देना चाहिए, हम लेकिन पिलाए हैं, अभी भी पिला रहे हैं, हाँ बात नहीं किए हैं, लेकिन जितना हम लोग का सेवा हो सके उतना हम लोग सेवा किए हैं, हम लोग अंदर बहुत बार जा चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है, केवल आश्वासन मिलता है कि आगे हम लोग भेजेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है, 4 मंथ से यहाँ पर आ रहे हैं, करीब करीब फरवरी से ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग का आश्वासित, हाँ यहीं बैठे रहे, चाय बनाते रहे, हाँ चाय बनाते रहे, खाना पीना यहीं बनेगा, ऐसे भी जिंदगी कहाँ है मैडम, ऐसे भी हम लोग का सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं है हम लोग सोसाइटी में, हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, क्या करें, मजबूरन बना रहे हैं, अगर जो हम लोग मेडिकल फिट थे रोजगार दे देते मोदी जी, थोड़े हम लोग चाय बनाते हैं, रेलवे वाले सारे अधिकारी का मजाक बना के हम लोग कर रख दिए कि आज चाय बेच रहे हैं इन लोगों के सामने, इन लोगों को पता नहीं शर्म आती है कि नहीं आती है, क्यों हम लोगों का 3-3 एग्जाम लिया, क्या हमारे पास मेरिट नहीं है ये चाय बेचने के लिए, हम लोगों का ऐसा मेरिट, मजबूर किया गया है, मजबूर किया गया है, हंस रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं, चयनित करके मजबूर कर रहे हैं चाय बेचने पे, हम लोग एक के भी मतलब ये शौक नहीं है कि हम लोग चाय बेचे, इतना पढ़ लिख कर इतना एग्जाम निकाल कर ये कोई शौक नहीं है, मतलब कोई इतना अच्छा काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करें, उनको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हम लोग कहाँ आ गए, कहाँ थे, क्या लग रहा है जो कुर्सी में बैठे हुए उनको शर्म लग, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, आवाज पहुंचा रहे हैं,
शर्म तो लगना चाहिए, यदि उनका बाल बच्चा होगा तो शर्म लगना चाहिए, यदि निर्वांश होंगे तो नहीं शर्म लगेगा। इतना ना झूठ घोष अगर पढ़ लिख के जितना स्टेप पास होके अगर नौकरी लिए होंगे तो शर्म तो आना चाहिए, और अगर घूस देके नौकरी लिए होंगे तो पूछो शर्म नहीं आवेगा। ये बेरोजगार चाय है, और मैं अभी बताना चाहूंगी आपको कि आप रेलवे मेडिकल फिट बेरोजगार का चाय है। बेरोजगार चाय अभी क्या हो गई है यहाँ की जनता, इस देश को क्या हो गई है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। आप अभी देखे ही है हाल फिलहाल में कि सीटेट अभ्यर्थी जो सर मुंडवा और उसके बाद लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी जायज मांगों को लेकर, और उसके बाद फिर ये लोग भी अपने मांगों को लेकर यहाँ पर बेरोजगार चाय, ये जो चाय बेच रहे हैं पर लिख कर मेडिकल देकर इस तरह से चाय बनाना पड़ रहा है। सोच सकते हैं कि किस तरह का ये शिक्षा जो नीति बनाई गई है किस तरह से लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।